हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आप चैलेंजिंग वीडियो बनाओ, तो आज मैंने सेलेक्ट किया है आइस क्यूब चैलेंज। तो आज हम करेंगे आइस क्यूब का चैलेंज। तो वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से मैंने इस आइस क्यूब चैलेंज को लिया है और कितना मैं सही से कर पाई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करेगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। चलिए देखते हैं आइस क्यूब का वीडियो हम सॉरी चैलेंज हम किस तरह से लेते हैं। तो ये मैंने अभी आप थोड़ा सा आगे कर ली थी, ये देखिए इस तरह से मैं ये आइस क्यूब्स हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसको। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो आइस क्यूब्स लिया है ये, तो इसको अभी हम हैंड में होल्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको अपने आइस पर रखेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम हम इसको अपनी आंखों के ऊपर रख पाते हैं। मैं स्टॉप काउंट डाउन नहीं लगा पाऊंगी, सॉरी, बिकॉज ये भी रिक्वेस्ट था कि आप काउंट डाउन लगाएं, तो काउंट डाउन मैं नहीं लगा पाऊंगी। मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगी कितना कितने टाइम तक, कितना काउंटिंग तक मैं इसको अपने आइस के ऊपर होल्ड कर पाती हूँ। तो मेल टोला जल्दी रख लेते हैं। एंड नाउ ये तो भाई स्लिप हो रही है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग अगेन। ओके चलो मैं ऐसे रख लेती हूँ होल्ड करके, बिकॉज ऐसे नहीं जा रहा। ओके ना, 1 2 3 4 बॉटल लग गई, 5 6 7 8 9 10 ओह दैट इज ओवर। बहुत अच्छा होता है, पर हम लोग कभी मसाज करते हैं तो कॉटन के क्लोथ में रखते हैं। अब मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है, तो चलिए ठीक है, ये आंखें दो मैंने देखूंगी, काउंट करेंगे बाद में कि कितनी हम लोगों ने आइस क्यूब यूज किए हैं। तो मैं भी इसको प्लेट में रख लेती हूँ। एंड उसके बाद अभी दूसरा चैलेंज है। ओके एंड अभी देखते हैं हम, क्योंकि बिकॉज आइस के ऊपर मैंने सोचा था कि होल्ड हो जाएगी, पर ये स्लिप हो रहा है। तो इसी तरह मेकअप नहीं है भाई, मेरा पानी टपक रहा है। सब लोग बोलते बहुत मेकअप करते हो, तो मेकअप नहीं है। एंड ये टू आइस मैंने अगेन लिया है, तो इसको चीक्स पे कितनी देर मसाज हम कर पाएंगे, तो स्टार्ट काउंटिंग जल्दी कर लेती हूँ तो ज्यादा टाइम ओवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घड़ी लगने लगी है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 तो घड़ी लूंगी, 26 27 28 29 and 30 भाई इज ओवर नाउ। ओ माय गॉड, चीज की बैंड बज गई भाई। हाँ थोड़ा सा एकदम जैसे चिल हो गया, पता नहीं लग रहा कि आंखों में पूरा कुछ लगाया हुआ है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे सूज जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, उस टाइप का हो गया। क्योंकि हम जब कभी मसाज करते हैं कहीं भी, डॉक्टर बताते हैं हैंड पर कभी चोट वगैरह लग जाती है, तो मेरे को आइस क्यूब थाइस पे बताया कि मेरे को चोट लगती, तो कपड़े में लपेट के बताया था, और वो हम लोग इस तरह से जैसे कपड़े में लगाया लगाया हटा दिया लगाया हटा दिया। ये मैंने कंटिन्यूसली 30 काउंटिंग 30 तक मैंने काउंटिंग किया, तो मैंने रखा है। अभी हम होल्ड करेंगे, तो हमारे 4 पीसेज हो गए हैं, हम उनको रीयूज कर लेते बिकॉज आइस क्यूब ज़्यादा नहीं है। एंड हम काउंट कर लेते 7 से 4, और मैंने वीडियो को अभी तक कट भी नहीं किया है। तो अभी हम यहाँ पर 3 and 4 ले लेते हैं। ओके इट्स 4, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक आई थिंक कि हम इसको रख पाएंगे। सारा मैस हो गया मेरे घर में। ओके 1 2 3 हिलाते रहना जीरो, एक ही जगह तो जम जाएगा। 3 हो गया था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चीज पता 20 आई मीन 30 तक टाइम तक मैंने कर लिया, बट ये बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है हाथों में ना। एंड 20 हो गया ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29
कभी चीटिंग नहीं करेगा, वीडियो को भी कट नहीं किया बिकॉज रिक्वेस्ट ये भी थी कि चीटिंग मत करेगा और वीडियो को बीच में कट नहीं करेगा। तो मैंने रीटेक्स भी नहीं लिए, एक ही बार में मैंने वीडियो बनाया तो 30 हो गया था, 35 एक पहुंच गया था, पर मैं वापस से कर लेती हूँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. आई थिंक हिलाने से ज़्यादा टाइम तक हम इसको रख पाएंगे, तो मैं इसको अभी 45 के बाद एक ही हैंड को जस्ट जो है इनको बंद कर लेती हूँ, ऐसी मूर्ति बना लेती हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम तक रुक पाएंगे हम। फिर से वापस से स्टार्ट कर लेते हैं 1 से, वो सब इंडिया भी रख पाऊंगी शायद 10 तक भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हम रख पाएंगे शायद इसे लॉन्ग टाइम तक, बट हाथों की बैंड बच चुकी बहुत बुरी तरह से, मैं रख रही ओ माय गॉड, हाथों का पता भी नहीं लग रहा हाथ है कि नहीं, हाथ मुड़ भी नहीं रहे भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी लगाई है हाथों में ना। अभी नॉर्मल होने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है वीडियो आगे नया इंटरेस्टिंग। हाथों में जैसे ठंडी होती ना, बिल्कुल ठंडे में पेन होने लगता है, उसी तरह का पेन अभी हो रहा है। मैंने होल्ड तो कर लिया पर बैंड बच गई हाथों की। 4 and 4, 4, 8 and 12 आइस क्यूब्स हो गई हैं, मैंने एक ही ट्रे लेके आई थी, अब मैं उठ के वापस नहीं जा रही और फिर लाने के लिए, मैंने सोचा कि इनफ होगा। तो सबसे ज़्यादा चीक्स पर पेन हुआ, आइस पर हुआ, पर धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। तो आप इस तरह से क्या कहते हैं घर पर ही शिमला और क्या कहते हैं उत्तराखंड वगैरह जैसे एरियाज हैं, बहुत अच्छे एरियाज हैं, हिल स्टेशन अपने घर में हिल स्टेशन बना सकते हैं। तो अभी हम करते पैरों के साथ कि हम कितना लॉन्ग टाइम पैरों में आइस क्यूब को रख सकते हैं, तो जस्ट मुझे ज़रा सा पॉज करना पड़ेगा वीडियो जस्ट लिटिल बिट। आई थिंक मेरा कैमरा ओपन होने के बाद रोटेट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको कट करके पैरों को दोबारा से बना लेती हूँ, चीटिंग मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। ये देखिए भाई मैंने प्लेट में रख लिया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेस हो चुका है, तो ये मैंने अपनी प्लेट में रख लिया है क्योंकि पानी भर जाएगा। ये देखिए मैं इसको, ये स्किप हो रही हैं लेग्स के ऊपर, तो मैंने चीटिंग नहीं किया हुआ है, रखा हुआ है, देखते कितना टाइम तक रख पाएंगे। 1 एक ही जगह रखते हैं बिकॉज ज़्यादा हिलाने से हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम रख पाएंगे भाई, मुझे लगता नहीं है कि मैं पैरों के थ्रू ज़्यादा रख पाऊंगी बिकॉज पैरों में बहुत ठंडी लग रही है, पर 10 तक मैं ट्राई करती हूँ। 1 तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, और कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा वो भी नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा ताकि ये चैलेंज सभी देख पाएँ। और वैसे नॉर्मल सी बात है, जब हम कभी भी आइस मसाज हम लेते हैं तो हम कपड़े में लेते हैं तो उसको हम इस तरह से हटा लेते हैं जब हमें ठंडा लगता है, पर आज मैंने कंटिन्यूस लगा के रखा बिकॉज चीक्स को भी ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, हाथों में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। जब कंटिन्यूस ठंड रहती है जैसे हम लोग हिमाचल वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ ठंडी उतरती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब जैसे आइस क्यूब मसाज के बाद तो बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है, एक ब्लड सर्कुलेशन जैसे कहते हैं ना वो बढ़ गया है। तो बहुत अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।